नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दरभंगा एम्स का मामला मंगलवार को सदन में उठा। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने इस पर जवाब दिया और कहा कि दरभंगा एम्स अब डीएमसीएच के बदले दूसरी जगह बनाई जा रही है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने ऑफर भी किया बाकी सदस्यों को कि चलकर वो साथ देख लें वो कैसी जगह है। तो इस पर दरभंगा एम्स पर सियासत शुरू हो गई है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने दूसरे जगह का ऐलान किया। कल दरअसल ये मामला उठा, कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। जो प्रेमचंद मिश्रा हैं, सीनियर मेंबर हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि गोरखपुर सहित कई जगहों पर जो एम्स का निर्माण कार्य पूरा हो गया है लेकिन दरभंगा में एम्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। क्या कुछ कहा प्रेमचंद मिश्रा ने, सुन लीजिए आप। दरभंगा में एम्स बनिए, हम सब चाहते हैं जल्द से जल्द उसका निर्माण कार्य शुरू हो, और जो इतना विलम्ब हुआ है तो ठोक बजा के जमीन का चयन होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, मैंने जाकर खुद देखा है, बढ़िया जगह है, सबसे बढ़िया है। जब मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हैं, चलिए भाई हम लोग भी संतुष्ट हैं। आप लोग को भी जाने के लिए कहेंगे? हाँ, कहा है तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, आप तिथि तय करिए, समय तय करिए, हम लोग चलेंगे आपके साथ। तो सुना आपने, प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल खड़े किए। तो वही जो विपक्षी, जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, उसने दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर जमकर हल्ला बोला। बीजेपी के जो विधान पार्षद हैं दरभंगा के, हरीश साहनी, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पर, सुन लीजिए आप। ऐसा जगह है, वो जगह पूरा पूरा 30 फीट मिट्टी भराना होगा, और 30 फीट मिट्टी भराने में जिसमें समय लगेगा कितना, और फिर उस जगह पर क्या 1-2 साल में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है क्या? जहाँ 30 फीट मिट्टी हम भराएंगे और तुरंत निर्माण काम शुरू कर सकते हैं क्या? तो ये सब देखने के बाद हम लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि ये सपना कैसे पूरा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना का क्या होगा। तो सुन लिया आपने, उनका कहना है कि राज्य सरकार केवल घोषणाबाजी कर रही है, डीएमसीएच के पास मिट्टी भराई का काम होने के बाद भी अब अलग जगह जल जमाव वाले इलाके में भूमि का चयन किया गया है। यानी जो नई जमीन है उस पर बता रहे हैं कि वो जल जमाव वाला इलाका है, अब वहाँ मिट्टी भराव का काम किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि एम्स का जो निर्माण कार्य है उसको लटकाया जा रहा है, वही इस मामले में जो सीएम नीतीश कुमार के जवाब देने के बाद जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार सरकार एम्स के निर्माण को लेकर काम कर रही है, सरकार ने भूमि का चयन भी कर दिया है, और सीएम नीतीश कुमार ने सभी सदस्यों को स्थल चयन का सुझाव का जायजा लेने का सुझाव भी दिया है। तो संजय से झा क्या कह रहे हैं मंत्री जो हैं, बिहार के जल संसाधन मंत्री, सुन लीजिए आप। सीएच का विस्तार, जैसे पटना पीएमसीएच का विस्तार किया वैसे डीएमसीएच का किया जाएगा, और जो जगह तय हुआ है वो समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री जी खुद जाकर उस स्पॉट को देखे, कैबिनेट ने पास कर दिया 150 एकड़, और जल्द ही एक्वायर करके दे दिया जाएगा। वो दरभंगा एयरपोर्ट से 10 मिनट के रास्ते पर है, दरभंगा शहर का भी एक्सपेंशन उस साइड हो जाएगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, नेपाल, दरभंगा, सीतामढ़ी, सब जगह के लोगों के लिए, उत्तर बिहार वहाँ आना आसान हो जाएगा। और जो हाईवे है वहाँ पर, ये शोभन में बन रहा है, वहाँ से इस एम्स तक बिहार सरकार 4 लेन रोड बनाएगी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। तो सुन लिया आपने कि बिहार में जिस तरह से एम्स से, जो दरभंगा पटना एम्स पहले से है, और जो बिहार में दूसरे एम्स की बात चल रही है, और इस पर सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ही इस पर सुझाव दिया था जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे, जो वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में उस जगह की जो बात की गई थी और फिर बाद में जगह को बदलने की बात कही गई, तो ये तमाम बातें जो है सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद के अंदर रखी, और इस पर अब सियासत खूब हो रही है। हालांकि दरभंगा एम्स जिस तरह से सवाल खड़े किए गए कि बाकी एम्स जो उसके साथ घोषित किए गए थे वो अब बन के तैयार हो चले हैं, लेकिन दरभंगा एम्स अभी भी फिलहाल इसका निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो सका है। मिट्टी भराव का काम अब जो नई जगह है वहाँ पर जल जमाव है, जैसा कि बता रहे हैं बीजेपी के सदस्य। तो ऐसे में अब इस पर सियासत फिर से होनी तय हो गई है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।